Assalamu alaikum, dear students. Let us start today's lesson at page number 44. तो आज हम पेज नंबर 44 से शुरू करेंगे. समावा सरफराइजर टू सी द कैमल कॉफ इन द कंपनी ऑफ ए बॉय. डिक्सिट डॉलमा पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉय सेड, लुक, ही इज मूसा अली. तो समा कैमल कॉफ को इस मूसा अली के साथ देखकर बहुत हैरान होती है और डिक्सिट डॉलमा को इशारा करती है उस बॉय की तरफ और कहती है कि देखो यही मूसा अली है. आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्रीज डॉलमा आस्क्ड मूसा अली टू टेल देम समथिंग अबाउट द फैक्ट्री एंड कैमल. तो खैर आफियत पूछने के बाद डॉलमा मूसा अली से कहती है कि आप हमें इस फैक्ट्री एंड कैमल के बारे में कुछ बताएं. मूसा अली आस्क्ड देम टू अकॉम्पनी हिम अलॉन्ग विथ हिज कैमल कॉफ into the vicinity of his village Diskit where a group of wild pack trainers was present. तो मूसा अली उन दोनों से कहता है कि आप मेरे साथ आए, मेरे कैमल कैफ के साथ मेरे गांव चले आए जिसका नाम है Diskit, जहां इन pack train camels का एक ग्रुप मौजूद है. The pack train camel is originally a native of Mongolia where it is called the Habkai. तो pack train camel जो है ये तो असली मंगोलिया का है, इसका ओरिजिन जो है वो मंगोलिया है जहां इसको हैपकाई भी कहा जाता है. हाउएवर इट इज आल्सो फाउंड इन रिमोट एरियाज ऑफ द गोबी एंड टकलामकन डेजर्ट्स इन मंगोलिया एंड चाइना वेयर इट वाज हैवीली हंटेड फॉर इट्स हाइट एंड मीट. अगरचे इसको ज्यादातर गोबी और टकलामकन रेगिस्तानों में मंगोलिया और चाइना में पाया जाता था जहां इसका शिकार इसकी सिकिन और इसके गोश्त के लिए किया जाता था. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कराकोरम एंड सिल्क रूट वॉज ऑन द डबल हम्पर्ड बैक्ट्रियन कैमल बिकॉज ऑफ इट इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन द माउंटेन्स एंड डेजर्ट ट्रेल्स. तो ये जानकर जानना बहुत दिलचस्प लगता है कि कराकोरम और सिल्क रूट में जो ट्रांसपोर्ट किया जाता था वो इसी बैक्ट्रियन कैमल के डबल हम्पर्ड बैक्ट्रियन कैमल पर किया जाता था. क्यों? क्योंकि ये जो है बैक्ट्रियन कैमल ये ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाता है पहाड़ों और इन रेगिस्तानों में. द बैक्ट्रियन कैमल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेप्योर मैमल्स फॉर द हार्श एक्सट्रीम्स ऑफ द डेजर्ट. क्योंकि बैक्ट्रियन कैमल जो है ये मैमल्स में से सबसे अच्छा माना जाता था क्योंकि ये डेजर्ट में ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है. फेस्ड विद द स्कॉचिंग हीट chilling cold and scarcity of food and water many animals struggle but the wild hapkai faces all the odds. जहाँ उन रेगिस्तानों में तपती धूप, बहुत ज्यादा ठंड और गजा की कमी, पानी की कमी से बहुत से जानवरों को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन ये जो खाली वाइल्ड हैपकाई है ये इन सारी मुश्किलात का सामना अच्छे से कर सकता है. द कैमल कैन कवर अराउंड 50 किलोमीटर ए डे. तो ये कैमल जो है हैपकाई ये एक दिन में 50 किलोमीटर कवर करता है. द कैमल्स लॉन्ग नैरो नॉस्ट्रिल एंड डेंस आईलैशेस एफिशिएंटली प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म्स. तो ये कैमल का एक फीचर ये भी है कि उसके नॉस्ट्रल्स बहुत तंग है, इसके आईलैशेस घने हैं जो इसे उस रेत के तूफान से के नुकसान से बचाता है. इट स्वेट्स एंड यूरिनेट्स लिटिल. इसको पसीना भी कम आता है और पेशाब भी कम आता है. दस प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस टू थर्स्ट जिसकी वजह से इसे प्यास भी कम लगती है, तभी तो इसको पानी की जरूरत भी कम पड़ती है. स्पेशल अडाप्टेशन क्या है इस कैमल की? स्नोशू इफेक्ट प्रिवेंट सिंकिंग इन सैंड एज द बॉडी वेट्स रेस्ट्स ऑन सोल पैड्स विथ ओनली फ्रंट एंड्स ऑफ द हूव्स टचिंग द ग्राउंड. तो इसके स्नोशू जो हैं वो उसको उसकी बॉडी को जो है सैंड में सिंक होने से प्रिवेंट करती है, क्योंकि उसकी बॉडी का वेट जो है वो सारा सोल पर डिपेंड करता है, सोल पर पड़ता है और ग्राउंड को खाली टच करते हैं उसके फ्रंट टूज. लॉन्ग लेग्स अलाउ द कैमल टू ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंसेस इजीली. उसकी टांगें जो होती है वो लंबी होती है जिसकी वजह से उसे बहुत दूर तक चलना आसान होता है.
thick calloused knees protect the joints when the animal lies down. वो जब ये जानवर नीचे बैठता है तो उसके नीज जो हैं वो बहुत मोटे हैं जो इसे नीचे बैठने में आराम देते हैं, बचाते हैं उसका नीज. समा इट इज सो ग्रेट टू सी द कैमल कॉफ क्लिंगिंग टू मूसा अली. तो समा कहती है कि देखो ये कैमल कॉफ जो है ये कैसे मूसा अली के साथ रहता है, कैसे मूसा अली के ऊपर चढ़ा है. मूसा अली I have many times tried to find the camel calf's mother so that the camel can join its herd because I take it as my moral duty. तो मूसा अली उन्हें कहता है कि मैंने बहुत बार इस camel calf की माँ को ढूंढने की कोशिश की ताकि ये अपनी herd को join कर सके क्योंकि मैंने अपनी एक moral duty ली है. डॉलमा it is so happy with you. It treats you as its mother. तो डालमा कहती है मूसा अली से कि कैमल कॉफ आपके साथ बहुत खुश है, ये आपको अपनी माँ की तरह दिखता है, देखता है. The most noticeable feature of the Bactrian camel is its two humps. तो इस Bactrian camel में ज्यादातर नोटिस करने की बात जो है वो है इसके जो दो humps हैं. At the hump The average height of the camel is 7 feet. अगर इस कैमल को हम्प से नापा जाए तो वहां पर ये 7 feet है. A common misconception is that the camel's humps are used for storage of water. अक्सर लोगों की सोच ये है कि एक कैमल का हम्प जो है ये पानी स्टोर करता है. In reality, the humps contain a huge amount of fat, approximately 36 kgs. Which is used when the food is scarce. तो असल बात क्या है कि हम्प जो है इसमें पानी स्टोर नहीं होता है बल्कि फैट स्टोर होता है जो इस कैमल को गजा की कमी पूरा करता है. This feature gives the camel the ability to live for many days without food. तो यही खासियत है जिसकी वजह से ये कैमल बहुत दिनों तक गजा के बगैर भी रह सकता है. थैंक यू बेटा, आज इतना ही.